माय पाठशाला बाई नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिफाइड कॉन्सेप्ट ओलंपियाड एग्जाम के सैंपल पेपर क्लास सेकेंड मैथ के सैंपल पेपर किस प्रकार के रहते हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इस एग्जाम के पेपर के थ्रू हम देखेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहें, इसमें आपको बहुत कुछ समझने को और देखने को मिलेगा। आप इसमें यह भी जान पाएंगे कि आपके क्लास सेकेंड मैथ से के सिलेबस से कितना आपका क्वेश्चन टच कर रहा है, सिलेबस क्या रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ वीडियो के लास्ट में आंसर सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ में आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करते चलें। क्वेश्चन नंबर वन, अ येलो रिबन इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग देन ए रेड रिबन। इफ द येलो रिबन इज 77 मीटर लॉन्ग, find the total length of the two ribbons. Option A 129 cm, B 120 cm, C 130 cm and D 121 cm. Question number 2. From the given image, the mass of pineapple is A 1 kg, 2, B 3 kg, C 2 kg and D 4 kg. Number 3. David went to the shopping mall at the 3:30 p.m. He spent an hour there. What time did he leave the shopping mall? David जो है शॉपिंग मॉल में 3:30 बजे जाता है और 1 घंटा वहाँ और टाइम स्पेंड करता है, तो कितने बजे वो शॉपिंग मॉल छोड़कर बाहर आ जाएगा? A 4:30 a.m., B 4 a.m., C 4 p.m. या D 4:30 p.m. Number 4. Two ladybugs have 12 legs. How many pairs of legs do 5 ladies have? A 30, B 3, C 15 and D 18. Number 5. Mr. Krishna has 5 10 rupees note. He want to buy some items so in the box. Which two items should he buy if he want to spend as much money as possible? A RP, B RQ, C S D E S. और इसके साथ ही इसमें आप देख पाएंगे कि रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं मैथ के क्वेश्चंस पेपर में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेकेंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। जिस प्रकार फर्स्ट पेयर है उसी प्रकार सेकेंड पेयर में क्या आएगा? A, B, C and D. Which letter comes next? H, K and Q, D and next letter what? Number 3. Which number replaces the question mark 20, 12 and what? A, 16, B, 18, C, 4, D, 8. Number 4. Which option is exactly the same as the one given? इसके जैसा एडजेक्ट दूसरा ऑप्शन। नंबर 5. मिडल मिसिंग नंबर इन द मिडल फिगर, यहाँ पर मिसिंग नंबर है इसे हमें निकालना है। ऑप्शन ए 15, बी 30, सी 35, डी 25. लेते हैं इसके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन है, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट 5 तक ये से हम आगे देख लेंगे। ये 5 के सॉल्यूशन है, वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने आंसर से मैच करके देखिए कि आपका आंसर कितना सही आ रहा है। नेक्स्ट हमारा ये सॉल्यूशन से आप कीजिए। आज के लिए इतना ही, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। अभी आप बच्चों को तैयारी करवाएं तो नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट सभी ओलंपियाड एग्जाम होते हैं और सभी में ऑलमोस्ट जो है क्लास के सिलेबस से ही क्वेश्चन रहते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ घुमाकर और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं जो कि प्रैक्टिस के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।